अगर आपको पहले बेनज़ीर की जानिब से पेमेंट मिल रही थी और अगर आपने आज तक ये काम नहीं किया है तो इसका मतलब अगली दफ़ा हुकूमत की जानिब से आपको पेमेंट नहीं मिलेगी और अगर, अगर आपको पहले ही हुकूमत की जानिब से नाइल कर दिया है और आपको हुकूमत की जानिब से किसी भी इमदादी प्रोग्राम के ज़रिए एक रुपये भी इमदाद नहीं मिली और आप हकूत की जानब से नए प्रोग्राम्स के ज़रिए और बेनज़ीर की जानब से इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आज की ये दो से तीन मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं कि वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते हैं उनको सही में समझ नहीं आती है कि इस प्रोग्राम में अप्लाई किस तरह करना है या पर हम कहां पर गलत हैं कहां पर गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से, से नायल किया जा रहा है और बेनजी निकाली गई है वो कुछ हद तक काफी खवती नजरात के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की भी बात है और काफी खुवा नजरात के लिए बहुत बुरी बात भी है कौन सी ऐसी बुरी बात है और कौन सी ऐसी फायदे वाली बात है आज किस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा लिहाजा आज किस वीडियो को आपने हर की स्किप नहीं करना आज

तो आपको इमदाद क्यों नहीं दी जा रही है या फिर आपको दी भी जा रही है तो आपको क्यों दी जा रही है हकुमत की से एक बता कि आपका जो तो फिर आप इमदाद ले सकते है।, अगर आपका से है तो उसका मतलब आपको की से कभी भी इमदाद नहीं मिलेगी लेकिन आप अपने स्कोर को बेहतर किस तरह कर सकते हैं और हकूमत को हम गरीब हम हैं गरीब है काफी लोगों की गलती क्या होती कि काफी लोग जब अपना डायनोमिक सर्वे करवाने जाते हैं या पेमेंट लेने के लिए जाते हैं तो वो आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जैसे आपका शोहर क्या करते हैं या फिर आपकी नौकरी लगी हुई है या फिर है, आप क्या करते हैं तो सारी सही से देते हैं जिसकी वजह से काफी को पेमेंट्स नहीं दी जाती तो काफी खातन ऐसी हैं जो खात जिन खाती नजरात की जानब से कभी भी पेमेंट नहीं मिली है उन खात के लिए एक नया ऑप्शन आ चुका है वो ये कि वो अपने घर बैठे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए या फिर किसी भी सेंटर में जाकर अपना डायनामिक

चीज को लेकर परेशान थी उनको पेमेंट नहीं मिल रही थी लेकिन अब हुकूमत की से तमाम गरीब खावती को पेमेंट्स मिलेगी लेकिन आपको मिलेगी किस तरह आपने सिंपल सा काम है आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने अपने घर के किसी भी गरीब सेंटर में चला जाना है वहां से जाकर अपना रह करवा लेना है या फिर किसी और तरीके से कार्य अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है रिया से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इनशाला आने वाली जो पेमेंट होगी आपको हुकूमत की जानब से लाजमी मिलेगी और बाकी जो दीगर प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ बी आई की डाटा को कलेक्ट करके उसी डेटा

उनको किसी भी शॉप पर नहीं जाना पड़ेगा उनको किसी भी सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा उनको सीधा उनके कैश फिर पैसा। बैंक या फ्रांस बैंक, इन बैंकों में उनकी जो पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाएंगी ईजी पैसा बैंक और जो कि मोबिलिंग बैंक इन बैंकों में तमाम गरीब खानदानों की जो पेमेंटें उनको ट्रांसफर किया जाएगा वह अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ईजी पैसा या जैज कैश की शॉप से जाकर अपनी पेमेंटों पेमेंटों को निकलवा सकता है क्योंकि के काफी ऐसे इस दफ़ा देखने को मिल हैं काफी लोग झगड़ा भी कर रहे हैं काफी लोगों को काफी मिसाइल का सामना गया तो इसी वजह से हुकूमत ने अब यह फैसला किया कि तमाम गरीब खानदानों की जो हैं, उनके अकाउंटों में ट्रांसफर की जाएंगी उम्मीद आज की शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद फायदे को फायदे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत बोले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़